जैसे हम लोग का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है रेजिस्टेंस की टाइप्स में। हमने थर्मिस्टर पढ़ा, वरिष्ठर पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे पदार्थों के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें हमने बताया है कि चालक पदार्थों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, या घटने पर घटता है। और मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होगा। मिश्र धातुओं से बना प्रतिरोध जैसे यूरेका, नाइक्रोम, मैग्नीन इत्यादि प्रतिरोधक का ताप गुणांक शून्य होता है। कभी कभी कन्फ्यूजन में आता है कि मैग्नीन का टेम्परेचर कैसा होता है, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वह निगेटिव को समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। तिरका हो गया, नाइक्रोम, मैग्नीन का टेम्परेचर कोफिशियंट क्या होता है, टेम्परेचर को बहुत नगण्य इफेक्ट यानी इस रजिस्टर पर पड़ता है। इसीलिए हम क्या लेते हैं, शून्य के बराबर लेके चलते हैं, यानी इसका टेम्परेचर कोफिशियंट कैसा देखने को मिल जाता है, तो जीरो देखने को मिल जाता है। आज हम आगे पढ़ेंगे कि अर्धचालक और अचालक का टेम्परेचर कोफिशियंट कैसा होता है, तो अचालक तथा अर्धचालक का तापमान गुणांक कैसा होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। तो हम ग्राफ देख लेंगे, ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमारा ग्राफ है, हमें रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, ये हमारा टेम्परेचर को, ठीक है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस को हम घटाएंगे, वैसे वैसे हमारा क्या होगा कि टेम्परेचर भी कम होगा। इसके बाद हम अचालक में देखेंगे, इसका टेम्परेचर कोफिशियंट कैसा दिखता है, निगेटिव दिखता है, ठीक है। तो इस ग्राफ में इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक तरह से समझा जाए टेम्परेचर कोफिशियंट का मतलब यह होता है कि ऐसा पदार्थ इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो, और टेम्परेचर कम होने पर उसका रेजिस्टेंस क्या हो, बढ़ जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट मटेरियल। उसी टाइप से हमारा हो जाता है कौन सा, तो इंसुलेटर भी उसी तरह से कार्य करता है जैसे अर्धचालक बिहेव, जैसे अर्धचालक बिहेव करता है उसी टाइप से हमारा क्या होता है, अचालक भी बिहेव करता है। तो इंसुलेटर इंसुलेटेड मटेरियल का क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशियंट कैसा देखने को मिल जाता है, तो टेम्परेचर कोफिशियंट कैसा देखने को मिल जाता है, तो कोफिशियंट निगेटिव देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या मिलते हैं, अनेक पदार्थों का अलग अलग टेम्परेचर कोफिशियंट देखने को मिल जाता है। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा प्रतिरोध ताप गुणांक। इससे भी आपको हर एक एग्जाम में यानी ट्रेड से संबंधित एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध का ताप गुणांक। आज इस पॉइंटों के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे, ज़्यादा डिस्क्रिप्ट नहीं, स्क्रिप्ट में समझाएंगे हम शॉर्ट में। तो इसमें कुछ जान जाते हैं कि प्रतिरोध ताप गुणांक होता क्या है। तो किसी चालक पदार्थ का तापमान 0 सेंटीग्रेड से 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर उसके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होता है उसे क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशियंट बोलेंगे, समझ में। अगला पॉइंट
आएगा, इसमें अब डेरिवेशन मिल जाएगा आपको। जैसे किसी चालक का 0 सेंटीग्रेड तापमान पर प्रतिरोध R0 है तथा 30 सेंटीग्रेड पर तापमान पर गर्म करने पर इसका प्रतिरोध RT हो जाता है। ठीक है, क्या होता है अगर 0 सेंटीग्रेड पर तापमान पर किसी चालक गर्म करेंगे तो उसका R0 रेजिस्टेंस जाएगा, लेकिन 30 सेंटीग्रेड करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। अगला पॉइंट, 0 सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर चालक में वृद्धि होने पर प्रतिरोध परिवर्तन या प्रतिरोध में वृद्धि कितना मिल जाएगा, RT माइनस R0। ठीक है, पर क्या करेगा, डिपेंड हो जाएगा, निर्भर करेगा। अब क्योंकि हमें 0 सेंटीग्रेड तापमान से 30 सेंटीग्रेड तापमान तक जाना है तो इसमें जो परिवर्तन आता है उसके साथ साथ रेजिस्टेंस में भी परिवर्तन आएगा, तो उसी को परिवर्तन को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा प्रतिरोध परिवर्तन मूल प्रतिरोध पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। जैसे लिख लेंगे RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0, क्योंकि हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो प्रतिरोध उठाया ये मूल प्रतिरोध हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा प्रतिरोध में वृद्धि चालक के तापमान में वृद्धि तापमान में वृद्धि टी पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो अब क्या हो जाएगा, प्रतिरोध निकालेंगे रेजिस्टेंस, तो RT माइनस R0 किस पर निर्भर करता है, तो टी पर निर्भर करता है। हम एक फार्मूला का डेरिवेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ तीसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा प्रतिरोध निवृद्धि चालक के भौतिक गुण पर निर्भर करता है, मतलब उसका प्रॉपर्टी कैसा है उस पर डिपेंड करता है, पर निर्भर करता है। तो इस टाइप से हमारा क्या फार्मूला बनेगा, RT माइनस R0 इक्वल टू R0 T मिला देंगे। मिलाने से फिर क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा, इसको पक्षांतर कर देंगे तो इधर चला जाएगा R0 प्लस R0 T, तो हमें एक फार्मूला देखने को मिल जाएगा। R0 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस यहाँ नियतांक में हमें क्या मिल जाएगा, नियतांक के रूप में यहाँ अल्फा मिल जाएगा, जिसको α T। इस टाइप से हमारा क्या होगा, फार्मूला का निर्माण हो जाएगा, जिसमें अल्फा क्या डिनोट करता है, पदार्थ का ताप गुणांक, पदार्थ यानी प्रतिरोध का ताप गुणांक समझ लेंगे, या पदार्थ का इसको इसका मान क्या होता है, स्थिरांक, कांस्टेंट, या ये क्या है, स्थिरांक है।
तो इस टाइप से हमने एक फार्मूला का डेरिवेट किया, जो हर एक एग्जाम से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर से ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हम अपलोड करें तो आपके पास पहुँच जाए। और मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी और शॉर्ट में आपको कंटेंट मिलेगा, जो कि हर इलेक्ट्रीशियन से होने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और शेष बचा क्वेश्चन में क्वेश्चन और थियरी आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो।